हेलो क्लास वेलकम बैक सो इन द प्रीवियस वीडियो जैसा कि आपने देखा होगा हमने साइक्लोन फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था कि हाउ आर साइक्लोन्स फॉर्म्ड एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शंस कॉज होते हैं एंड आई हैड आस्ड यू वन क्वेश्चन टू टेल अबाउट द रिसेंट साइक्लोन विच हैड हिट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सो मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी दैट अब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में थोड़ा और हम जानेंगे साइक्लोन के बारे में एंड अ स्पेशल केस अबाउट साइक्लोन दैट इज टोर्नेडो एंड क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उसके दौरान अब कल जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपको साइक्लोन का बताना है कि कहाँ इंडिया में रिसेंटली हिट किया है एंड ऑल्सो आईड आस्क कि उसका नाम क्या है नाउ द थिंग इज आई हैड आज अबाउट द नेम ऑफ साइक्लोन वाई नेम नाउ दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल हैबिट दैट पीपल हैव Whenever a cyclone hits a place, they usually keep a name to it. It can be any name, a regional name, a traditional name, depends upon the people. The people keep a name to it. Every time a cyclone comes, it has got a new name. So, that is the reason why I had given you that question. So, as you can see here in the box, also it is written that a cyclone is known by different names in different parts of the world. This is what I was uh, trying to let you know through that question. For example, in the American continents, it is called a hurricane, in the Philippines and Japan, it is called typhoon, and you know, different names are there. As you uh, had mentioned in the comment, Fani, Katrina, and many other names that are there. Now, let us study about one little more special case about these so cyclone that is tornadoes. Now, what is tornado? tornado a tornado को अगर एक सिंपल भाषा में समझाया जाए, तो ये भी एक cyclone की तरह ही होता है. Cyclone की तरह होता है, मतलब it उसके अंदर भी देर आर यू नो लॉट्स ऑफ एयर दैट इज रिवॉल्विंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट थ्री हंड्रेड किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है एंड इसमें क्या होता है एक चीज़ और होती है दैट इट लुक्स लाइक अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड इसका क्या मतलब है लेट मी शो यू पिक्चर हियर दिस इज द इमेज ऑफ ए टोनेडो इट इज़ लुकिंग लाइक की ऊपर बादलों में से एक तूफान फनल शेप में लाइक दिस शेप में नीचे की तरफ आ रहा है तो द थिंग इज ये सेम ही है साइक्लोन और टोर्नेडो बस फर्क ये है कि इसके अंदर थोड़े द रेन क्लाउड्स दैट आर देयर वो भी थोड़ा मिक्सअप हो जाते हैं एंड इट दैट एज इफ इट इज कमिंग डाउन सो दिस इज ऑल्सो यू नो जस्ट वेरी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ रोटेटिंग एयर लाइक दिस एंड अगेन द वर्किंग प्रिंसिपल दैट मीन हाउ इज़ इट फॉर्म वो सेम ही है कि यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जाता है तो साइड से विन्स आ जाती हैं एंड फिर वो रिवॉल्व करने लगता है वो सारा सेम ही है लाइक अ साइक्लॉन इट जस्ट दैट अगर थोड़ा बारिश के टाइम भी अगर वो कंपनी कर जाता है तो दैट साइक्लॉन टर्नज इन टू अ टोरनेडो राइट सो मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज़ आर वीक बट मेजोरिटी एज आर टोली यू द स्पीड कैन बी इवन दिस हाई एंड

दिस टोर्नेडो अगेन क्योंकि ये एक बहुत ही एक फनल शेप की तरह लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है तो ये जितना भी डेब्रेस या फिर घर बार जो भी है वो अपने अंदर सक कर लेता है और पूरा बेस से उसे उखाड़ देता है एंड इट थ्रोज दैम आउट यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल लोगों के दे रखे हैं दीज आर एक्चुअल कोर्ट्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी आँखों के सामने टोर्नेडो को विटनेस किया है आई रीड आउट फ्यू एंड सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया this one says I saw the cloud coming and I tried to take the shelter inside but as soon as I reached for the door knob the house took off into the sky I was not hurt at all now the thing is what happened was ki itna tez ye sab hua ki isse pehle ki wo shelter lene bhagta usse pehle ki hi uska ghar hawa mein tha. and after that uh, this is one more statement that is given. After the storm, we had to clean the debris from the wheat fields. Debris means all the mulva, kuda which is So we picked up the splintered board, tree branches, as well as dead chickens with their feathers blown off. And rabbits looked like they had been skinned. This is so hurting to hear. I mean, it is even very torturous to see all these things. Uh, these little animals are not able to survive and uh, they die. So, the thing is, what uh, should we do when a tornado comes? But, first of all, in India, usually tornadoes do not come. They come majorly in the American continents and all. But, tornadoes. tornado shelter? Is now, what is this tornado shelter? ये एक रूम होता है जो कि अंडरग्राउंड बनाया जाता है घर के नीचे बनाया जाता है जिसमें ना कि विंडो होती हैं एंड इट इज़ टोटली शट एकदम अंदर की तरफ होता है वहाँ पे जरूरी सामान पहले से रखे होते हैं लाइक like खाने पीने की चीज़ें वगैरह सो दैट वेन आ टोडो कम्स द फैमिली कैन गो डाउन एंड यू कैन हाइड इन साइड देयर ऑल्सो इफ यू आर आउटसाइड और यू तो यू कैन बो डाउन ऑन योर नीज प्रोटेक्टिंग योर हेड ताकि आपके uh, सर के ऊपर कुछ गिरे ना दीज आर सम ऑफ द मेजर्स नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स फॉर बोथ साइक्लोन एंड द दर्नेडोज क्योंकि दोनों सेम ही हैं तो इनके सेफ्टी मेजर्स आर ऑल्सो सेम नाउ एज यू नो दैट न्यूज़ में आ जाता है पहले कि इस एरिया में साइक्लोन हिट करने वाला है तो वन शुड बी अवेयर ऑफ द साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग एंड क्या होता है फिर हमें रैपिड कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट है हमारी उसमें रैपिड कम्युनिकेशन करना चाहिए वार्निंग्स देने चाहिए लोगों को कि जल्द से जल्द वो इलाका खाली करें सो दैट द पीपल आर नॉट हर्ट राइट सो गवर्नमेंट एजेंसीज़ वगैरह उनको क्या करना चाहिए जो फ़िशरमैन होते हैं मछुआरे उनको और शिप्स वालों को बोलना चाहिए कि वहाँ से जगह खाली कर दें ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो एंड नेक्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक केयर अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स ये भी बनाने के लिए जल्द से जल्द उन्हें काम करना चाहिए एंड पीपल शुड बी अवेयर अबाउट इट जितना जल्दी ये वार्निंग्स दी जाती हैं उतना जल्दी लोग इसे मेकअप कर सकते हैं ना रिसेंटली जब मुंबई में अभी साइक्लोन हिट किया था द मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन द इंस्ट्रक्शन एंड वार्निंग मच बिफोर इन हैंड तो लोगों ने काफ़ी तैयारी कर ली थी एंड ज़्यादा उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ था सो so, जितना जल्दी आप अवेयर करोगे वार्निंग्स दोगे उतना जल्दी तो ये यू नो थिंग्स कैन बी हैंडल्ड अप वेरी इजीली। नाउ ये तो हो गई सारी गवर्नमेंट की बात कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना व्हाट शुड वी डू एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें सबसे पहले वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स दैट आर गिवन बाय द मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना मिटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज़ यू नो कि ये जस्ट हमारे स्कूल के साइड में ही है मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो डेली का है एंड वो भी सारा इन सब चीज़ों के ऊपर चेक वगैरह रखता है सो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स एंड ऑल सेकेंड थिंग इज वी शुड मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट मतलब खाने पीने का सामान वगैरह होना चाहिए घर और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उन्हें सेफ जगह पर पहुँचाना चाहिए कार्स वगैरह को भी आप गैराज में या किसी सेफर जगह पर खड़ी कर सकते हो एंड ऑल्सो वी शुड अवॉइड ड्राइविंग ऐसे मौसम में ये नहीं सोचना कि चलो घूमने निकल चलते हैं बहुत मस्त हवा चलेंगी बिल्कुल नहीं हवा के साथ ही निकल जाओगे राइट सो यू शुड नॉट एक्चुअली ड्राइव यू शुड अवॉइड इट एंड अगर कहीं पानी जमा हुआ है मतलब थोड़ा पानी कहीं भर गया है ऐसे एरिया में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट कहीं से लीक हो गया तो यू कैन गेट करेंट एंड ऑल एंड यू शुड कीप योर फ़ोन नंबर्स रेडी एस्पेशली द एमरजेंसी सर्विस होती हैं लाइक पुलिस फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस एंड ऑल इन सब के नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे शुड बी सेव्ड एंड ये सब कुछ रेडी होना चाहिए अपार्ट फ्राम देट कुछ और प्रिकॉशन जो आप ले सकते हैं अगर आप एक साइक्लोन हिट एरिया में रह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं यू शूड नॉट ड्रिंक द वॉटर दैट इज़ कंटामिनेटेड जो खराब हो गया उसे ना करें ऑलवेज यू शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर लाइक बिस्लरी की वॉटर्स वगैरह आप रख सकते हैं योर साइक्लोन शेल्टर्स अपार्ट फ्राम दैट डू नॉट टच द वेड स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स यू नो दिस वेरी वेली हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था जैसे कि वो था कि अम्ब्रेला का मेटेली कैंड क्यों नहीं होना चाहिए अगेन यहाँ पर रीज़न वही है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अपार्ट फ्रॉम दैट डू नॉट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मज़े मज़े में मत जाना बाहर नहीं तो मज़े मज़े में ऊपर निकल जाओगे राइट अपार्ट फ्रॉम दैट डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स फॉर मेकिंग अन ड्यू डिमांड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अब ऐसे टाइम पे क्या होता है लोगों को अपनी जान का खतरा होता है पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉपर्टी अगर आप ऐसे टाइम पे मान लो आपको भागना पड़ रहा है तो आप ज़रूरी चीज़ें लोगे वहाँ से निकलोगे और जो आपको रेस्क्यू फोर्स बचाने आ रही है उनके साथ आप फालतू की डिमांड्स नहीं करोगे आप उनसे जेनवन डिमांड करोगे जैसे खाना नहीं है तो आप खाना मांगोगे आप यू विल नॉट बी आस्किंग इंटरनेट कनेक्शन और प्ले स्टेशन और समथिंग नो यू शुड मेक एक जेनवन डिमांड एंड यू शुड नॉट बॉर्डर दम एंड लास्टली यू शूड ऑफकोर्स कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको मिल के काम करना चाहिए अगर आपको वार्निंग का पता लगता है आप जल्दी से अवेयरनेस फैलाओ लोगों को अवेयर करो बताओ एंड उनकी हेल्प करो और खुद की भी ऑफकोर्स हेल्प करो सो बेस्ड ऑन दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन सपोज इफ अ साइक्लोन हिट्स योर एरिया एंड यू हैव टू इमीजिएटली इवैक्यूएट योर हाउस द गवर्नमेंट हैज़ गिवन यू इंस्ट्रक्शन नाउ यू हैव थ्री ऑप्शंस ठीक है listen to this carefully now you have three options one is your uh, money second is your uh, property papers or uh, let's say property parent, uh, papers and insurance papers in insurance papers and third is your uh, some food items या फिर वाटर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं ठीक है आपके पास ऑप्शन है इन तीनों चीज़ों में से एक ले जाने का बट माई क्वेश्चन ऑफ़ द डे इज कि आप इन दोनों इन तीनों चीज़ों में से आपकी ऑर्डर ऑफ़ प्रेफरेंस क्या रहेगा ऑर्डर ऑफ़ प्रेफरेंस से मतलब नंबर वन पे आप किसे लेके जाओगे नंबर टू पे आप किसे लेके जाओगे और नंबर थ्री पे आप किसे लेके जाओगे दिस इज़ योर क्वेश्चन एंड यू विल राइट वाई क्यों आप अगर सोचते हो कि मनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो होना चाहिए तो क्यों अगर आप प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस का सोचते हो तो वो लिखोगे फर्स्ट पे एंड क्यों बट यू विल राइट दिस ऑर्डर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है और जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ़ प्रेफरेंस है उसका आप रीज़न दोगे वाई दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ़ द डे लेट्स सी हाउ डू यू थिंक एंड सॉल्व दिस केस अ सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम राइट सो दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर टू एंड

सो इफ़ यू लाइक द वीडियो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आईकॉन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो स्टिल दैन विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सो बाय एंड टेक केयर